हेलो, वेलकम टू ट्रिक्स बाय उदय। आज हम मेडिसिन का एक पर्ल देखेंगे। मेडिसिन के सारे सिंड्रोम्स देखेंगे जो CNS में होते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये तीन सिंड्रोम्स है, मीडियल मेडुलरी, लैटरल मेडुलरी एंड वेबर सिंड्रोम। यू कैन सी कि इस पे 10 MCQ पूछे गए हैं। तो इसमें सिर्फ इन सिंड्रोम्स में इनका वेसल्स जो इन्वॉल्व है वो भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एग्ज़ाम में दिए होंगे क्लिनिकल फीचर्स एक क्वेश्चन में, उस पर से हमें पहचानना पड़ता है कि कौन सा सिंड्रोम है या फिर कौन सी वेसल इन्वॉल्व हुई है। तो लेट्स सी अब कैसे रट्टा मारना है। सबसे पहले हम इन तीन सिंड्रोम्स के नाम याद रखने की कोशिश करते हैं। मतलब मीडियल मेडुलरी को डिजेरिन बोलते हैं, ये कैसे याद रखेंगे? हमारा मतलब कभी कभी उल्टा हो सकता है कि मीडियल मेडुलरी को हम वैलेम बोल सकते हैं या फिर लैटरल मेडुलरी को डिजेरिन, तो ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो लैटरल मेडुलरी मतलब वो दोनों लैटरल है तो एक दूसरे से दूर दूर है, तो उनके बीच में एक वॉल है, इसलिए लैटरल मेडुलरी। और डिजेरिन मतलब ये जेरी है, टॉम एंड जेरी हम याद रख सकते हैं। टॉम एंड जेरी हमेशा साथ में ही रहते, इसलिए वो मीडियल है तो पास है। ओके, नाउ अब हम वेसल्स कैसे याद रख सकते हैं। तो पहले तो दिमाग में तीन डिसीज का कंपैरिजन याद कर लीजिए, मतलब मीडियल, लैटरल और वेबर का हम करने वाले हैं। तो जो मेडुलरी सिंड्रोम है उन दोनों में भी वर्टिब्रल आर्टरी इन्वॉल्व होती है, ये तो कॉमन है। पर डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है तीनों में? तो मीडियल में स्पाइनल आर्टरी है, लैटरल में सेरेबेलर है और वेबर्स में सेरेब्रल आर्टरी है। मीडियल और वेबर में एंटीरियर आर्टरी एंटीरियर इन्वॉल्व है और वेबर्स में पोस्टीरियर इन्वॉल्व है, और लैटरल में पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी इन्वॉल्व है। यू कैन ट्राई टू कंपेयर लाइक दिस एंड देन यू कैन रिमेंबर। नाउ लेट्स सी कि क्लिनिकल फीचर्स कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं पर से हमें एग्जाम पे क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले याद रखना है कि मीडियल मेडुलरी और वेबर दोनों भी बिना कॉन्ट्रालेटरल मोटर इन्वॉल्वमेंट है, मतलब हेमिप्लेजिया है। सिर्फ लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम ऐसा है कि जिसमें सिर्फ सेंसरी इन्वॉल्वमेंट है, मतलब पेन और टेम्परेचर, कॉन्ट्रालेटर पेन और टेम्परेचर इन्वॉल्व है। तो अभी देखते हैं कि मीडियल मेडुलरी और वेबर को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये तो बहुत ईजी है क्योंकि वेबर हमने बहुत बार पढ़ा है कि उसमें थर्ड नर्व इन्वॉल्व होती है। और मीडियल मेडुलरी में हम याद रख सकते हैं कि जो भी मेडुलरी वाला होगा ना थोड़ा फार, तो उसमें थोड़ा फार सेंसरी कंपोनेंट आ ही जाएगा, इसलिए प्रोप्रियोसेप्शन भी होता है उसमें। और इप्सिलेटरल टंग इन्वॉल्वमेंट होती है। और लैटरल बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? एक तो देखा हमने कि इसमें सिर्फ सेंसरी इन्वॉल्वमेंट है, मतलब कॉन्ट्रालेटरल पेन और टेम्परेचर, ऑल्सो इप्सिलेटरल फेस का पेन और टेम्परेचर भी है इसमें। और बहुत स्ट्राइकिंग फीचर है कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन में ज़रूर दिया होगा कि इसमें आई, ईयर और माउथ का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, अभी आई में आएगा निस्टैग्मस, हॉर्नर सिंड्रोम, ईयर में अटैक्सिया, वर्टिगो आएगा, और माउथ में डिस्फेजिया, गैग रिफ्लेक्स, ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे कुछ तो एग्ज़ाम में के क्वेश्चन में दिया होगा। इससे हम लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम को पहचान सकते हैं। अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट सिंड्रोम्स हो गए। इसके अलावा बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं वो हम देखते हैं, बट इतने इम्पोर्टेंट भी वो नहीं है एग्ज़ाम के लिए, फिर भी हमारे सिलेबस में है इसलिए हम उनको भी देखेंगे एक बार।